वो कहते हैं कि भाई तुम अपने नेता के नाम से वोट मांग रहे हो नरेंद्र मोदी के नाम से। हम कहते हैं नेता हमारा है तो हम मांगेंगे क्या करेंगे। वो कान में आके कह देते हैं क्या करें आप तो अपने नेता के नाम से मांग लेते हो, हम तो अपने नेता के नाम से मांग ही नहीं सकते। अभी उनको दुख है इस बात का और वो अपने नेता को नेता नहीं मानते। उनके जो कैंडिडेट हैं वर्कर को कहते हैं भाई देख मेरे नाम से वोट मांग लियो, कांग्रेस के नाम से मांग लियो, लेकिन राहुल गांधी वो कह रहे पप्पू है राहुल गांधी के नाम से मत मांगियो। जब उनको ही अपने नेता पर भरोसा नहीं तो जनता कैसे करेगी। दोनों की जब तुलना करते हैं तो अंतर थोड़ा नहीं है, इतना 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 बड़ा अंतर है, इतना बड़ा अंतर है। लोग बिल्कुल गले उतार ही नहीं रहे हैं, सारे देश में ये वातावरण बना है। और एक बात और वो कहते हैं कि आप लोग राष्ट्रवाद देश भारत माता इसी की बात करते हो, अरे भाई ये तो करेंगे ही। आखिर हमारी जो पार्टी है ना उसका एक विचार है कि ये जो देश है ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये है भारत माता। क्या है? भारत माता। तो भारत माता यानी माँ है, माँ की जैसे सेवा की जाती है, माँ की जैसे रक्षा की जाती है, माँ की एकता अखंडता यानी देश की एकता अखंडता ये हमारे लिए जी जान से भी प्यारा है। हमारे तो हरियाणा में हर घर में से हर गली में से कोई ना कोई परिवार का आदमी फौजी है या पहले फौजी रहा है। हजारों लोग तो यहाँ शहीद हुए हैं, वो सब जानते हैं देश क्या है। तो इसलिए देश की भी बात करेंगे, गरीबों के कल्याण की भी बात करेंगे, हम आयुष्मान भारत की भी बात करेंगे, हर गरीब परिवार के उनका जो मेडिकल का खर्च है चिकित्सा का यानी इलाज का जो खर्च है आज लाखों रुपए में इलाज होते रहे हैं पहले, और लाखों के इलाज के कारण से या तो लोगों को कर्जा लेना पड़ता है गरीब आदमी को या उसको अपनी जायदाद बेचनी पड़ती है, कई बार वो कुछ नहीं कर पाता तो आदमी हाथ से निकल जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। अब ये तकलीफ नरेंद्र मोदी ने समझी और उन्हें समझ के कहा देखो हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा ये सरकार देगी, उसको नहीं भरना पड़ेगा। हर घर में रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने हरियाणा प्रांत में लगभग 8 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर पहुंचाया है और कोई आज हरियाणा का परिवार नहीं है जिसके घर में गैस सिलेंडर चूल्हा ना हो। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर किसी के घर में नहीं है तो हाथ खड़ा करो। एक बोबो एक ही रहेगा, दूसरा मांगोगे तो नहीं मिलेगा। कहते हाथ खड़ा कर दिया, एक तो है एक और खड़ा कर लो। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में दो परिवार हो तो मैं दोनों से कहता हूं कि जाके फार्म भरो DFSC ऑफिस में और 48 घंटे में आपको गैस सिलेंडर घर पहुंचेगा। 48 घंटे में आजकल कुछ क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है ना तो हो सकता है कुछ अधिकारी कर्मचारियों के माथे में कुछ खराबी आई हो, वो अगर 48 घंटे में ना दें चिंता मत करना 23 तारीख के बाद हिसाब चुकता कर लेंगे उनसे, हम उनसे हिसाब चुकता कर लेंगे, चिंता मत करना। और आपके घर में अगर दो परिवारों में ना पहुंचे 48 घंटे में तो अगली बात बताता हूं, उनकी चिंता मत करना, हमारे जो नेता बैठे ना जितने इनके घरों से उठा लेना। क्यों डॉक्टर साहब, क्यों जागड़ा जी, कृपाणी जी, ठीक है ना, इनके घर में जरूर पहुंच जाए 48 घंटे में, और जाके ये दो हाथ उठे हैं इनकी पहचान करके कल इनके फार्म भरवा दो। तो मित्रों हम जो काम करते हैं पूरा करते हैं, हमने बहुत ऐसे काम, किसान के काम, व्यापारी के काम, लंबे हो जाएंगे गिनाएंगे। मैं तो एक बात और कहूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा कि जो कांग्रेस के नेता ये जो अपनी चौधर की बात करते फिर रहे हैं, ये चौधर आप लोगों के नहीं बनाना चाहते, ये तो वही जो पुरानी टोल है इनकी, वही क्या जीता सोनू मोनू यही है ना इनके, ये चहेते इनके, ये इनके लिए घर भरना चाहते हैं, अपने घरों को भरना चाहते हैं। और ये सारे जितने बिचौलिए जितने दलाल जितने रिश्वतखोर, यानी यहां ट्रांसफर भी कराना था तो भी महीने दो महीने की तनख्वाह जेब में डाल के ले जाता था टीचर, आज किसी अध्यापक की पर्ची आती है ट्रांसफर के लिए नहीं आती। अगर कोई नौकरी वोकरी के लिए गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता था कितनी पढ़ाई लिखाई कर लो, क्योंकि चक्कर काटने वाले परिक्रमा करने वाले वही 10-20-50 नौकरियां लेते थे और उनको सारी उम्र जब तक वो रिटायर नहीं होता उसको गुलाम बना के रखते।
हमने मेरिट पर नौकरियां दी, एक एक गांव में 50-50, 60-60, 6,500 नौकरी, 64,000 नौकरी हरियाणा में लगी है। इन हरियाणा में 64,000 का एक भी पैसा किसी का लगा हो तो आप हाथ खड़ा कर दो, जिसने लिया होगा उसकी गर्दन में डाल करके सरिया डाल के निकाल लेंगे। कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ना पर्ची ना कर्ची। और जो नौकरी नहीं लगेंगे उनको भी उनको हुनर सिखा के प्राइवेट उनकी इंडस्ट्री में ले जाके या बैंक से लोन दिला के उनको भी धंधा कराएंगे, खाली नहीं रहने देंगे किसी को। तो मित्रों, बिजली के मामले में हम इतने सजग हैं कि हमने बिजली के नाते से लोगों के सामने अपनी झोली फैलाई कि बिल दे दो, लाइन लॉस कम कर दो, 24 घंटे आपको लाइट देंगे। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आज 3600 गांव, 8 जिले ऐसे हो गए जहां 24 घंटे लाइट जा रही है और लाइन लॉस कम कर दिए। आज सारी कंपनियां प्रॉफिट में आ गई, और तो और रेट हमने 4.5 से 2.5 रुपए कर दिए, 2 रुपए रेट कम कर दिए। ये क्या नहीं किए? तो मित्रों, सब सुविधाएं देंगे। लंबा समय आज मेरे पास नहीं है, मैं कभी फिर, क्योंकि 3 महीने बाद फिर यही शुरू होना है, 3 महीने फिर शुरू होना है, तो उस 3 महीने बाद फिर आएंगे। आज तो नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 12 तारीख को आप सब मिलकर के और ईवी मशीन को भरो, और 23 मई को जब रिजल्ट आए तो बजाय 11 बजे दिन के जो ट्रेंड चलते हैं, 9 बजे ट्रेंड शुरू हो जाए कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे हो गए, मीडिया वालों को मजबूरी से बताना पड़ जाए। और एक बात और बताता हूं, ये कांग्रेस वाले कहेंगे क्या ईवीएम खराब है, क्या कहेंगे? ईवीएम खराब है। तो इनके बहाने मारने दो, इनके झूठ बहुत हैं। और इनके जो जो ये जो सारे सपने दिन में दिखाते हैं ना, इनका इतिहास सब पता है। इस हुड्डा के ऊपर 5 सीबीआई के केस चल रहे हैं, एक पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री वो जेल में है और ये बेल पर है। तो इनके जेल वेल के जो खेल हैं, इनको समझना, समझ करके हम रमेश कौशिक जो अपने यहाँ के प्रत्याशी हैं, आज वो तो फील्ड में गए हुए हैं अपने दौरे पर, क्योंकि अचानक ये कार्यक्रम बना इसलिए उनको तो मैंने मना किया था। उनके भाई देवेंद्र कौशिक आए हैं, मैंने कहा भी आप ही जाकर प्रतिनिधि बनो और आप लोग इस काम को करें, आप ये सीट जीतो, 10 की 10 सीटें हरियाणा की जिता करके नरेंद्र भाई मोदी की झोली में डालना।